हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल से रसगुल्ले, जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी हैं। कच्चे चावल से रसगुल्ले जो कि बहुत यम्मी लगेंगे खाने में। तो देखिए, एक बाउल हमने ले लिए हैं चावल, जिनको हम भिगो करके ले लिए हैं। कम से कम 5 से 6 घंटे हमने इनको भिगो के रख दिया था। तो देखिए, चावल अच्छे से मैश हो रहा है। बस इसी तरह से हमें चावल कर लेना है। ये रसगुल्ले गाइस, जब कुछ भी घर में ना हो ना, तो ये रसगुल्ले इस तरह से बना करके बच्चों को दीजिए, बहुत बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से चावल हमने डाल दिया है अपनी मिक्सी के जार में पीसने के लिए। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पानी ऐड कर देंगे तो गलत होगा। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम 4 टेबल स्पून डालेंगे चीनी। तो आप देख सकते हैं, तो ये डाल दी हमने 4 स्पून चीनी, और इसको ग्राइंड करेंगे। इसी तरह से मिक्स करते हुए ग्राइंड करेंगे। पानी नहीं ऐड करें, क्योंकि चावल जब हमारे भीगे हुए चावल, चीनी जो है भीगे हुए चावल के संपर्क में आएगा ना, तो वो खुद ही पानी छोड़ देगा। तो देखिए, मिक्स पीस नहीं रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 स्पून डालना है हमको मलाई दूध की, जिससे कि हमारे जो बैटर में है ना, मावे का और क्रीम का टेक्स्चर आ जाएगा, और उससे पता नहीं चलेगा कि आप चावल के रसगुल्ले खा रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन गाइस, एक बार तो और ध्यान रखें कि इसका पेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी दाना रहा तो उसमें चावल का फ्लेवर आता रहेगा, इसीलिए इसको बिल्कुल बारीक करना है पेस्ट को। तो चलिए, इसको साइड में रखते हैं। अब दूसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसी तरह से रख देंगे इसको हम बंद करके। ये देखिए गाइस, अब हम बना लेंगे चाशनी। देखिए, हमारे पास रसगुल्लों की चाशनी पहले से ही रखी हुई थी, तो वही हमने ले ली है 1.5 कटोरी। आपके पास अगर चाशनी ना हो, मतलब चीनी से चाशनी आप बनाएं, तो आप 2 कटोरी चीनी ले लीजिए और 1 कटोरी पानी डाल करके चाशनी बना लीजिए। मतलब हाँ, जैसे चाशनी बनाते हैं रसगुल्लों की, बस उसी तरह से आपको चाशनी बना लेनी है। तो देखिए, ये हमारी 1.5 कटोरी चीनी थी, चाशनी थी, और इसमें हमने डाल दिया है 1/2 कटोरी पानी। लेकिन पानी हमने इसमें ऐड किया है, वो भी बॉयल्ड पानी ऐड किया, जिससे कि चाशनी में हमारा कच्चापन ना रहे। अब इसको हम कर लेंगे कुक, फिर से एक बार बॉयल कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि पानी और चाशनी लगभग एक सी हो जाए। ये देखिए, क्योंकि चाशनी पड़े रसगुल्लों में पड़े पड़े गाढ़ी हो गई थी, इस वजह से हमें पानी ऐड करना पड़ा। और आप चाशनी बनाते हैं तो जैसे रसगुल्लों की चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए, 3 आलू ले लिए हैं, जिनको हमने ग्रेट कर लिया है। मीडियम साइज़ के हमारे आलू हैं, तो इनको कर लिया है ग्रेट बारीक। ये देखिए, चाशनी में भी बॉयल अच्छे से आ गया है, तो उसको भी बंद कर देंगे फ्लेम को। तो ये देखिए, अब आलू में हम क्या करेंगे, अपना जो बैटर पीस के रखा था चावल का, वो इसमें हम ऐड करेंगे। गाइस, आलू मिलाने से चावल के बैटर में जो है ना, तो वो आ जाएगा, एक बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आप चावल नहीं लेना चाहते तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हमने लिया हुआ है चावल, क्योंकि आपने चावल की रेसिपी नहीं देखी होगी, वो भी रसगुल्लों की। और जो इसमें ट्रिक हम बताएंगे, देखिए 2 ट्रिक बताएंगे, एक जनरली जैसे रसगुल्ले बनते हैं उस तरह से, और एक नई ट्रिक बताएंगे जिसमें कि आपका हाथ भी नहीं गंदा होगा और आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ये 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे चावल के रसगुल्ले अच्छे से फूल कर आएँ। देखिए, मावा वगैरह बनाते हैं तो मावा वगैरह का रसगुल्ला बनाते हैं तो उसमें भी ऐड करते हैं बेकिंग सोडा, तो इसमें भी ऐड करना। देखिए, अब हमने ऐड कर दिया। तो ये देखिए, पहली ट्रिक कि हमने हाथों पर थोड़ा सा लगा लिया घी और इनसे गोल गोल बॉल्स बना रहे हैं। बस इतने फ़र्क यही है कि आप बनाते जाइए और इन्हें सेकते जाइए, क्योंकि इनको रख देंगे ना तो फिर से ये चपटे हो जाएंगे। तो तुरंत इनको बनाना है, तुरंत सेकना। तो ये देखिए कितना अच्छे से सिक रहा है, इसी तरह से हम सेकेंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा स्टिकी सा लगता है, क्योंकि हाथों में चिपक जाता है बैटर। तो इसी का देखिए, अब जिसको ऐसे बनाने वो ऐसे भी बना सकते हैं, और नॉर्मल जैसे रसगुल्ले हम गर्म चाशनी में डालते हैं, उसी तरह से हम गर्म चाशनी में इनको डाल देंगे, तो ये चाशनी सोक कर लेंगे। आप देखिए गाइस, अभी इस पर हम आगे दिखाएंगे आपको नॉर्मल नया ट्रिक, जिससे कि आपको हाथ से रसगुल्ले बनाने भी नहीं पड़ेंगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, ये 5 रसगुल्ले हमने उसी तरह से हाथ से बना लिए हैं गोल गोल। तो चलिए, अब देखते हैं इनको हम कि हम
रसगुल्ले बनाते हैं कैसे, नई ट्रिक से। तो ये देखिए, पन्नी हमने ले ली है, एक पॉलीथीन नॉर्मल, तो मजबूत पॉलीथीन लेनी है अच्छे से। तो देखिए, जैसे हमने पॉप्स बनाए थे जिस तरीके से, बस उसी तरीके से हमें ये बना लेने हैं रसगुल्ले उसी तरीके से। तो देखिए कैसे कैची से हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए इसमें छेद कर लिया है हमने उसी तरह से बड़ा सा। तो आप देखिए, इसमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और इस तरह से हम कैची से कट करते जाएंगे जितना बड़ा चाहिए लंबा। इसमें लंबे वाले रसगुल्ले बनेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे, बहुत ही यम्मी बनते हैं, आगे आप देखकर खुश हो जाएंगे। देखिए बन गए। तो हम बस रसगुल्लों की तरह फ्राई कर लेंगे। हम थोड़ा सा हल्का कलर रख रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए बस उसी तरह से निकाल निकाल कर इनको चाशनी में डालते रहेंगे। गाइस हमने सारे रसगुल्ले इसी ट्रिक से बनाए हैं जिससे कि हाथ हमारे ना चिपके, हाथ अच्छे से बने रहें। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने सारे बना लिए, ये लास्ट बैच था हमारा। एक बात और गाइस, अगर आप धीमी कढ़ाई में डाल देंगे ना रसगुल्ले, तो इस तरह से क्रैकी से बन जाएंगे। इसलिए बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। जैसी फ्लेम हमें रसगुल्लों के लिए चाहिए, बस उसी तरह से होना चाहिए। ये देखिए सारे बनकर तैयार हैं, देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं सारे रसगुल्ले हमने भिगो दिए हैं। अब हम 1 से 2 घंटे बाद मिलेंगे मिक्स, तो देखेंगे कि ये रसगुल्ले हमारे कैसे बन गए हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारे रसगुल्ले कितने यम्मी, कितने टेस्टी लगे हैं। गाइस इसमें चाशनी कम पड़ गई थी, तो हमने एक कटोरी चाशनी और बना करके ऐड करी है ऊपर से, क्योंकि सारा सोख कर लिया था हमारे रसगुल्लों ने। तो ये देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना जूसी लग रहा है हमारा रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सर्व करेंगे इसको, आप खुद ही देख सकते हैं गाइस कि कितने यम्मी लग रहा है देखने में और कितने जूसी। तो देखिए हमने इन्हें चांदी के वर्क से सर्व किया है, डेकोरेट किया है। आप चाहे तो नारियल से भी कर सकते हैं डेकोरेट। तो ये इस तरह से हमने सर्व कर दिया और कट करके दिखाएंगे। तो देखिएगा कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल हल्के हाथों से ये कट रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना जूसी है अंदर तक, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए एक और हम कट करके एक बार और दिखा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये हमारे चावल के रसगुल्ले, आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे, इतने टेस्टी और इतने यम्मी रसगुल्ले जिससे हाथ भी नहीं गंदा होगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।